गोराव बैठकवा गांव में पटेरी के बॉर्डर पर बन रही करोड़ों की लागत से राजकीय इंटर कॉलेज का निर्माण घटिया होने की शिकायत पर जिलाधिकारी ने जांच टीम गठित कर दी। जांच टीम ने डीएम ने चकबंदी अधिकारी व जल निगम के एक सहायक अभियंता को नामित कर दिया, जिसका जायजा टीम ने 20 अगस्त को इस स्थल पर जाकर कर लिया। जी हां, वहीं आपको बता दें कि 9 जुलाई को शहजादे हलवा सोशल एक्टिविटीज प्रबंधक MST ने निर्माण कार्य को गुणवत्ता खराब होने की ग्रामीणों द्वारा शिकायत पर स्थलीय जमीनी हकीकत देखी थी और प्रमुख सचिव माध्यमिक शिक्षा यूपी लखनऊ व जिलाधिकारी इलाहाबाद से 11 अगस्त को थी। निर्माण सामग्री जैसे मटमेली नाले आदि की घटिया बालू व ईंट का वीडियो भी प्रमाण हेतु बनाया गया। वही मजेदार बात तो ये कि उक्त शिकायत की जांच जिला विद्यालय निरीक्षक प्रयागराज को सौंपी गई थी और अविलंबन होने निर्माण कार्य दायी संस्था के पेवर में यह रिपोर्ट लगाकर शिकायत निस्तारित कर दी। वहीं आपको बता दें कि निर्माण कार्य सामग्री लेब से जांच के बाद ही प्रयोग की जा रही है। इस निरस्तरण रिपोर्ट से असंतुष्ट शिकायतकर्ता शहजादे ने पुनः शासन व डीएम से जनसुनवाई पोर्टल कर दी, जिस पर डीएम ने पुनः जांच हेतु चकबंदी अधिकारी प्रयागराज व जल निगम प्रयागराज के सहायक अभियंता को जांच अधिकारी नामित कर जांच समिति बना दी। वहीं आपको बता दें कि फिलहाल उक्त टीम ने 20 अगस्त को मुख्य तहसील दिवस के दिन मौके का निर्माण कार्य का जायजा लिया, जिसकी रिपोर्ट डीएम को सौंपी जाएगी। जांच के आदेश से विभागीय अफसरों इंजीनियरों सब में हड़कंप मच गया है। हालांकि उक्त निर्माण कार्य कराने वाले अपने को भाजपा प्रदेश कार्यकारिणी में सदस्य बताया। अब सवाल ये खड़ा होता है कि क्या भाजपा का नेता बताए जाने से जांच कार्रवाई कागजों तक ही सीमित रह पाएगी? क्या बच्चों के भविष्य उनके जीवन के साथ खिलवाड़ होगा? क्या बुनियादी तौर पर ही घटिया निर्माण कार्यों से भवन का लाइफ बढ़ेगा या भविष्य में किसानों का अंदेशा रहेगा? न्यूज इंडिया NIN कोरा प्रयागराज से सत्यम तिवारी की रिपोर्ट।